अर्जन देव जी के प्रकाश पुरब नू लैके श्री दरबार साहिब तरन तारण विखे अमृत वेले तो लैके देर रात तक एक महान कीर्तन दरबार सजाए गए ने। हेड ग्रंथी श्री दरबार साहिब तरन तारण के भाई सतपाल सिंह ने दसिया कि अज साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी का प्रकाश पुरब बड़ी श्रद्धा ते उत्साह दे नाल श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर अते इलाके दीआं संगतां दे वल्लों धूमधाम दे नाल मनाया गया। श्री अखंड पाठ साहिब दे भोग पाए गए ने। उपरंत दीवान हाल विखे एक महान कीर्तन दरबार सजाया गया जिस विच रागी ढाडी कविशर अते प्रचारक खास तौर ते पुज्जे होए सन। सो अज पावन स्थान श्री दरबार साहब तरन तारण साहब विखे जो तरन तारण साहब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज तिन्हों का प्रकाश पुरब बेअंत संगत बड़े प्यार उत्साह न मना कर रही हैं। श्री गुरु अर्जन देव सेवा सोसायटी तो श्री श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों ये जो उपराला किया गया है। सो इस पावन स्थान पर दास नूं भी हाजरी भरन का सुभागा समा प्राप्त होया है। वैसे दास की सेवा सचखंड श्री हेमकुंड साहब विखे है, दास उत्थे मुख ग्रंथी है ते संगतां दे संगतां ने सानूं हुक्म लाया सी इस स्थान ते आप जी हाजरी भरो। सो गुरु साहब कृपा करन साडी भी हाजरी ते संगतां दी भी हाजरी अपने दर ते प्रवान करन जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह। श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज के 469वें प्रकाश पुरब नूं जो कि श्री दरबार साहब तरन तारण विखे श्री गुरु अर्जन देव कीर्तन दरबार सभा वालों मैनेजर श्री दरबार साहब तरन तारण अते शहर दियां और इलाके दियां बहुत ही भरवीं संगतां दे नाल बहुत ही वड्डे सहयोग दे नाल संगतां दे सहयोग दे नाल इस समुचा समागम जो है 16 अप्रैल तो लैके अज तक निरंतर मनाया जा रहा है जिस दे विच संगतां बहुत ही बढ़ चढ़ के हाजरियां भर रही हैं और गुरु घर दी खुशियां प्राप्त कर रही हैं। गुरु साहिबां दे बख्शिश किए हुए इस स्थान पर अज श्री दरबार साहब तरन तारण विखे शाम के समागमों में सिख पंथ के चोटी के जथे जो हैं जो कि बहुत ही उच्च कोटी के जत्थे जो हैं वह हाजरियां भरनगे जिन्हों के भाई बलविंदर सिंह जी रंगीला ज्ञानी भाई महताब सिंह जी ज्ञानी राजदीप सिंह जी सचखंड श्री हरिमंदर साहब तो भाई जगतार सिंह जी भाई गगनदीप सिंह गंगानगर वाले भाई गुरदास सिंह जी और होर भी अनेक जत्थे जो हैं इस समागम में हाजरियां भर रहे हैं। रात के समय फुलों की वर्खा का नज़ारा है जो देखने योग होगा अलौकिक आतिशबाजी चलाई जाएगी और मठियाई के प्रसाद जो हैं वो अतुट वरतनगे। गुरु का लंगर हाल विखे अतुट वरत रहा है और देर रात तक वरदा रहेगा। आप समूह साध संगतों को श्री गुरु अर्जन देव कीर्तन दरबार सभा के सारे ही सेवादारा वालों हाथ बन के बहुत बहुत मुबारकबाद देंदे हुए कामना करते हैं कि जिनी भी साड़ी नौजवान पीढ़ी है वह पतित पुणे तो दूर रह के नशा त्याग करके गुरु साहबान के फलसफे न जुड़ के आओ अपने जीवन सफला बना सकीए। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। दास ज्ञानी सतपाल सिंह मुख ग्रंथी श्री दरबार साहब तरन तारण साहब अज सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी की अपार कृपा का सदका शहीदां दे सरताज शांति दे मुजस्मे जिन्हां नूं बाणी विच भी सतगुरु जी ने कृपा कीती है तत् विचार जाहे मथरा जग तारण को अवतार बनायो जप्यो जिने अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर बनायो ऐसे दीन दयाल सतगुरु पातशाह महाराज जी का अज अवतार दिहाड़ा है जिन्हां दा अवतार धन धन गुरु रामदास पातशाह जी दे ग्रह अते माता भानी जी दी कुखों नगर श्री गोइंदवाल साहिब दे विच अवतार होया ते धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी दे दरों घरों वरसाई हुई नगरी श्री दरबार साहिब तरन तारण साहिब अते पावन पवित्र स्थान सचखंड श्री दरबार साहिब जी विखे गुरु नानक नाम लेवा सिख संगतां बड़ी चढ़दी कला दे नाल मना रहियां ने जिथे कि अज सवेर तो दीवान सजे ने जिन्हां दीवाना दे विच गुरमत समागम दे विच बेअंत गुरु कीआं संगतां नकमस्तक हो रही ने जिहड़े पावन समागम सवेर तो लैके देर रात तक शाम तक चलणगे अते इन्हां गुरमत समागमां दे विच ढाडी रागी कथावाचक विद्वान बुलारे जिहड़े ने गुरु घर दे प्रचारक उह पहुँच रहे ने अते गुरमत समागमां दे अंदर हाजरी भर के गुरु साहिब जी का इतिहास गुरु साहिब जी का हर जस करके संगतां नूं सरवण कराउणगे। सचखंड श्री दरबार साहिब तरन तारण साहिब विखों श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों इन्हां गुरमत समागमां वास्ते उचेचे प्रबंध किए गए ने जिवें गुरु के लंगरां दे विच उचेचे तौर पर प्रबंध इस तों इलावा दरबार साहिब दे विच संगतां दे आमद नूं मुख रखदिआं होइआं उचेचे प्रबंध जिहड़े उह किए गए ने। गुरु कीआं संगतां
बेअंत सवेर तो लैके नकमस्तक हो रही तो देर रात तक इस तरह गुरु की संगत जो नकमस्तक हो रही ने। गुरु साहब जी की अपार कृपा है, समुचे प्रबंध वालों असी सचखंड श्री दरबार साहब तरन तारण साहब वालों समूह संगत लख लख वधाई देने। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। देश दुनिया दी ताज़ा खबरों के लिए हुणे प्ले स्टोर तो डाउनलोड करो पंजाब की आवाज़ अजीत न्यूज़ ऐप। हुण तुहाडा अपना अजीत हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उत्ते उपलब्ध है। फेसबुक के उत्ते हुणे लाइक ते फॉलो करो अजीत दा ऑफिशियल पेज डेली अजीत ते हाँ नाल ही दोस्तों नू पेज लाइक करन दे लई इनवाइट करना ना भुलना। इन्ना ही नहीं, हिंदी दे विच खबरां वास्ते लाइक ते फॉलो करो साडा फेसबुक पेज अजीत समाचार हिंदी। यूट्यूब दे उत्ते वीडियो खबरां देखण दे लई हुणे सबसक्राइब करो अजीत दा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अजीत वैब टीवी। तुहाडा अपना अजीत हुण ट्विटर ते इंस्टाग्राम दे उत्ते भी उपलब्ध है। ट्विटर दे उत्ते खबरां दे लई फॉलो करो डेली अजीत ते इंस्टाग्राम दे उत्ते खबरां दे नाल नाल वीडियो देखण दे लई फॉलो करो ब्लू टिक वाला साडा ऑफिशियल चैनल डेली अजीत। इन्ना ही नहीं, अजीत दे वीडियो हुण तुसीं एप्पल टीवी दे उत्ते भी वेख सकदे हो ते नाल ही अजीत अखबार दा डिजिटल एडिशन पढ़न दे लई डाउनलोड करो अजीत ई पेपर ऐप। तुहाडा अपना भरोसेयोग चैनल, तुहाडी अपनी आवाज़, पंजाब दी आवाज़।